So we started with electrophilic addition reactions in case of alkynes. So reaction was the addition of halogens. Okay. So in case of addition of halogens, we will be adding chlorine and bromine in the presence of CCl4. So this is the reaction. This is ethyne. और इथाइन में हमने क्लोरीन ऐड किया है, द रिएक्शन इट विल प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4. सो वन क्लोरीन ग्रुप विल बी सब्स्टिट्यूटेड हियर एंड द अदर ऑन द अदर साइड ऑफ द कार्बन. ठीक है, तो क्योंकि सिमेट्रिकल है, राइट, तो सेकंड वे से भी आप क्लोरीन जो है वो किसी भी कार्बन के ऊपर अटैच कर सकते हो. सो इन दिस वे फर्स्ट प्रोडक्ट विल बी 1,2-dichloroethene, क्योंकि डबल बॉन्ड बनेगा, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड के बाद ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी. ओके, सेम टेस्ट इन द केस ऑफ ब्रोमीन इज सिंगल बॉन्ड बनेगा. सेम टेस्ट इन केस ऑफ ब्रोमीन इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट, दैट इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन. ओके, सो व्हेन यू कन्वर्ट इथाइन टू इथीन एंड इथेन, ओके, द येलोइश कलर ऑफ द ब्रोमीन इट विल डिसअपीयर इनटू द कलरलेस सॉल्यूशन. ओके, एंड दैट इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, कि अब उसमें जो अनसैचुरेशन है वो खत्म हो चुकी है. ओके, द नेक्स्ट टेस्ट और द नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स. हैलोजन एसिड्स में हम HBr जो है या HCl को ऐड करेंगे, इन विच द रिएक्टिविटी ऑफ HI विल बी मोर, क्योंकि HI की बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होती है. ठीक है, तो इसलिए हम उस बॉन्ड को इजिली ब्रेक कर सकते हैं. सो सपोज आई एम डूइंग दिस रिएक्शन विद HCl, सिमेट्रिकल है तो कहीं पर भी आप अटैच कर सकते हो. एक तरफ एच ऐड कर दो और एक तरफ Cl ऐड कर दो. ओके, द सेम रिएक्शन वी विल बी डूइंग ऑन दिस. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बेटा? वन क्लोरो इथीन. इसमें हम HCl ऐड करेंगे तो जो एक एच है यहां पर ऐड हो जाएगा. ठीक है, डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड and the second chlorine will be attached here. So this is 1,1-dichloroethene. And same reaction when we proceed in the presence of propyne. Propyne is a symmetrical alkyne or unsymmetrical? Unsymmetrical. ठीक है? हाँ जी वंश आ जाओ. Come beta. जल्दी जल्दी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइन. इधर 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 इसको रब करके, इथाइन को रब करके प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बनाओ इसके. इथाइन को रब कर देना, उसकी जगह प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बना दे बस. बाकी हाइड्रोजन्स कहाँ गए? गो CH2 आना, CH2 आएगा. ये बॉन्ड है, चलो गो टू योर सीट, कर दे. आता है, आता है. HCl ऐड करो, करो. बाकी सारी चीजें भी बनाओ जो रह गई उसकी. लगा तो सही हाइड्रोजन, पहले जनरल मैकेनिज्म था, अभी तो लगाए थे मैंने जब रिएक्शन लिखी है. कार्बन के बॉन्ड्स देखना कितने कितने लगा रहे हो आप. ये चार है,
सेकंड वाले के भी देखो, आगे इसके बाद बेटा अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स और एल्काइन्स में हम कौन सा रूल लगाते हैं? मार्कोनिकोफ रूल. सो हियर वी विल बी अप्लाइंग मार्कोनिकोफ रूल वेयर द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग स्पीशीज विल गो टू द कार्बन एटम दैट इज हियर हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, तो जो नेगेटिव पार्ट है हमने सेकेंड वाले कार्बन के साथ अटैच किया हियर, ओके, एंड द पॉजिटिव पार्ट इट गोज टू हाइड्रोजन. सेकेंड प्रोडक्ट ठीक लिखा है इसने, सेकेंड ठीक है, अगेन क्योंकि नेगेटिव पार्ट जो है वो किसके पास जाएगा? क्लोरीन के पास जाएगा, ठीक है. सो नाम बोलो, इसका नाम बोलो, 2,2-dipropane, ठीक है जी. नेक्स्ट राइट डाउन एडिशन ऑफ वाटर, नेक्स्ट राइट डाउन एडिशन ऑफ वाटर. To ethyne, addition of water to ethyne this is ethyne we will be adding water to it in the presence of sulfuric acid and mercuric sulfate HDSO4 हाँ जी बेटा क्या होगा? How water will split? कैसे splitting होगी water की? H positive and OH negative. ठीक है? तो किसी भी side जो है हमने H लगा देना है और किसी भी side हमने क्या लगा देना है? OH. ठीक है? Is that clear? See one structure I'm going to make and you have to tell me what is this. उसका क्या नाम है? इथिनोल. इसका क्या नाम है? इथिनोल. इथिनोल से मैंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, याद है कुछ? वो तो ठीक है, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इसमें? वेरी गुड, कीटोइनोल टॉटोमेरेंस. ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म है? इनोल फॉर्म है. ठीक है, ये कौन सी फॉर्म हो गई है? कीटो फॉर्म हो गई. तो डेट इज कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म. इज दैट क्लियर? हो गया. चल रही है. हाँ जी ठीक है बेटा. सिंपली किया क्या है, वैसे हम रिवर्स में जाते हैं. जब मैंने आपको करवाया था, मैंने आपको इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में बताया था ना कि यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो अल्फा कार्बन वाला हाइड्रोजन है, दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन कि नहीं, ऐसे ही बताया था ना, ये जो है वो अल्फा कार्बन हो गया आपका. सॉरी, दिस इज द अल्फा कार्बन. ठीक है, और ये जो आपने हाइड्रोजन है ये शिफ्ट करना है दूसरी तरफ. सो ये हाइड्रोजन जो है वो आपने देना है ऑक्सीजन को. ठीक है, जब ये ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा तो ये OH बन जाएगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा. ठीक है, अब आपने सिंपली यहां से क्या किया है, ये जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन था वो रिमूव कर दिया. ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड ला दिया? डबल बॉन्ड. और ये हाइड्रोजन जो था वो इस कार्बन के पास चला. ठीक है, दैट इज कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म.